लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष अबू असीम आजमी ने आज सिडको एमडी संजीव मुखर्जी से मुलाकात की और मुंबई में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर चल रहे लूट के कारोबार को रोकने की मांग की। जिलाध्यक्ष अफसर इमाम और राजू मिश्रा के साथ सिडको मुख्यालय पहुंचे अबू असीम आजमी ने बैठक में प्रकल्पग्रस्तों और पीड़ित नोइंबईकरों को न्याय देने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यदि सिडको ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे मुख्यमंत्री और विधानसभा अधिवेशन तक आवाज उठाएंगे। देखिए रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रदेशाध्यक्ष अबू असीम आजमी ने आज सिडको एमडी संजीव मुखर्जी से मुलाकात की और ज्ञापन देते हुए नोइंबई की विभिन्न नागरी समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान जिलाध्यक्ष अफसर इमाम, महिला जिलाध्यक्ष एडवोकेट अंजना शर्मा, उपाध्यक्ष भूपेंद्र पाठक, सीनियर लीडर रब्बानी खान और सोशल एक्टिविस्ट राजीव मिश्रा खासतौर पर मौजूद थे। बैठक के बाद सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि सिडको की उपेक्षा और मनमानी के कारण आज नोइंबई में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं के नाम पर लूट का कारोबार चल रहा है, जबकि इन सेवाओं के लिए संस्थानों को कौड़ियों के भाव में जमीनें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सिडको में आम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, न ही प्रकल्पग्रस्तों और पीड़ित नोइंबईकरों को न्याय मिल रहा है। सपा विधायक ने चेतावनी दी कि यदि सिडको ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक शिकायत करेंगे और फिर भी नहीं सुनी गई तो वे विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे। कहते ना, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है और हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। ये मालूम है हर तरफ भ्रष्टाचार, बेईमानी और जो पूंजीपति लोग हैं वो लोग इसका जो है फायदा उठा रहे हैं। पूरा वायलेशन हो रहा है, इसमें किसी भी काम नहीं हो रहा है। दो दो लाख रुपया छोटे बच्चों के एडमिशन के लिए लिया जा रहा है, अस्पतालों का पैसा जो लिया जा रहा है, कमाई हो रही है। इन चीज़ों पर उन्होंने कहा मैं बिल्कुल सीरियस इस पर एक्शन लूँगा। इन्होंने एक ऑफिसर अपॉइंट किया है विशय कुलकर्णी, हमारे अफसर इमाम साहब जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, ये बहुत सीरियस इस बारे में और ये पिछले कई सालों से इस बारे में काम कर रहे हैं। ये वो अभी ऑफिसर इस वक्त ऑफिस में नहीं मौजूद हैं, दो दिन के बाद ये बैठेंगे, उसके साथ एक एक पॉइंट पे डिस्कशन होगा, इन चीज़ों को सीरियस लिया जाएगा। और मैं इसको इनके मिनिस्टर और जो मुख्यमंत्री उनसे बात करके मैं हाउस में इस चीज़ को लेकर के लक्ष्य विधि लगा के इनसे सवाल पूछूंगा, सामने कानून दिखा करके जब ये लॉ है तो आपको आपने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया, करेंगे नहीं करेंगे, इन सवालों को हम बहुत गंभीरता से लेने वाले हैं। गौरतलब है कि सिडको ने किसानों की जमीन लेकर नोइंबई शहर को बसाया है, हालांकि नियोजन के अनुसार इसका विकास नहीं हो रहा जिससे असंख्य नागरिकों और प्रकल्पग्रस्तों के लिए समस्याएं पैदा हो गई हैं। हालांकि इसके समाधान के लिए व्यापक पहल नहीं हो रही। जिलाध्यक्ष अफसर इमाम ने कहा कि उनके नेता ने जिस तरह सिडको एमडी से चर्चा की है उससे समस्याओं के समाधान की उम्मीद जग गई है। वहीं एक्टिविस्ट राजीव मोहन मिश्रा ने भी इसे सकारात्मक संकेत बताया और स्थानीय नेताओं की बजाय अबू असीम आजमी द्वारा नोइंबई का मुद्दा उठाए जाने पर उनके प्रति आभार भी जताया। मुझे तो इस बात का खुशी हो रहा है कि हमारे नेता अबू असीम साहब जो है बॉम्बई से यहाँ पर आकर के हमारे मुद्दा को, हमारे नई मुंबई के लोगों का मुद्दा को यहाँ पर उठाया, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत पहले से हम लोग मुद्दा को उठा रहे थे, हम लोग ऐसा ढूंढ रहे थे कि हम लोग कहाँ पर जाएँ कि नवी मुंबई के लोगों को कैसे न्याय दिलाएं। आज हम हमारा नेता जो है अबू असीम साहब यहाँ पर आए और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने सामने से बताया कि लक्ष्य वेदी जो है वहाँ पर डालना पड़ेगा और मैं इस बात को लेकर सीएम तक जाऊँगा, अगर हमारी बात नहीं सुनी तो मैं इसको विधानसभा में उठाएंगे। और मुझे लगता है कि नवी मुंबई के लोगों को, यहाँ के प्रकल्पग्रस्तों को निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा पहुँचेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। जिस चीज़ों पर आज के बहुत साल पहले हमारे नेताओं का ध्यान आकर्षित होना चाहिए था, हमारे नेताओं को उसको गंभीरता से लेना चाहिए था, वो हमारे यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों ने अभी तक उस मुद्दे को नहीं लिया। आप बताइए आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बढ़े हुए स्कूल फीस या स्कूल फीस की जो ज्यादती चल रही है उससे नहीं तंग है। आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और उसके साथ जो उसके स्वास्थ्य के नाम पर आर्थिक लूट की जाती है उससे परेशान नहीं है। आज ये सब मुद्दे इतने गंभीर थे और इतने डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए मुद्दे हैं लोगों के, जिसको कि सुना जाना बहुत जरूरी था। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे हमारी यही थी कि कम से कम सरकार के सर्वोच्च स्तर पर हम लोगों की आवाज़ें पहुंच सके, और आज उसको पहुंचाने के लिए अबू असीम आजमी साहब की तरफ से जो प्रयास किया गया है मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।